सुल्तानपुर में गनर राकेश के मामले में पुलिस के हाथ खाली। बीते 25 अक्टूबर को सिपाही राकेश पर ट्रेन में हुआ था हमला। ताबड़तोड़ चाकू मारकर आरोपी हुआ था फरार। 2 नवंबर को राकेश ने दुनिया को कहा अलविदा। 1 महीने बीत जाने पर भी पुलिस को नहीं मिला सुराग। उत्तर प्रदेश में एक विधायक के गनर पर हमला हुआ, उसके साथ लूट हुई। सरकारी कार्बाइन लूट कर कोई फरार हो गया और ये मामला अभी तक उलझा हुआ है। मोहम्मदाबाद के विधायक सुहैब अंसारी के गनर राकेश चौधरी ने इस दुनिया को अलविदा क्या कहा कि उनका केस भी एकदम से गायब ही हो गया। हम आपको ये मामला याद दिला दें। बीते 25 अक्टूबर को सुल्तानपुर जंक्शन पहुंचने से पहले ही सुहैब अंसारी के गनर राकेश पर किसी ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये हमला इतना भयानक था कि राकेश के शरीर के लोथड़े तक उड़ गए। जैसे ही ट्रेन सुल्तानपुर पहुंची, आनन फानन में गनर राकेश चौधरी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें बेहोशी की हालत में ही ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। हालत में सुधार नहीं दिखा तो राकेश को मेदांता में एडमिट किया गया, जहां आईसीयू में लगातार वो जिंदगी की जंग लड़ते रहे। 2 नवंबर की शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। राकेश 25 अक्टूबर से ही कभी होश में नहीं आए, लिहाजा उनका बयान भी नहीं हो पाया। राकेश के शव को ड्यूटी स्थल गाजीपुर ले जाया गया, जहां सरकारी सम्मान मिलने के बाद उनके प्रयागराज में मौजूद पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। राकेश की मौत को अब 1 महीने बीत चुके हैं। इस मामले में खुलासे के लिए गाजीपुर से लेकर सुल्तानपुर तक की पुलिस और एसटीएफ तक लगाई गई। काफी मेहनत से एक स्केच भी बना। कार्रवाई के नाम पर एसओजीआरपी शमीम सिद्दीकी का सस्पेंशन भी हुआ और बस इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। बदमाशों ने उनके शरीर पर चाकू घोप कर उनकी 2 मोबाइल और सरकारी कार्बाइन लूट ली थी और आज तक उन सामानों का भी कोई पता नहीं चला। घटना के दूसरे दिन जिले में एडीजी जीआरपी पीयूष आनंद पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूछताछ में कुछ लोगों ने बताया कि गनर की ट्रेन में किसी से बहस हुई थी, जिसके बाद उसने राकेश पर हमला किया और वहां से फरार हो गया। एडीजी के आश्वासन के बाद भी आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जो खुद पूरे डिपार्टमेंट पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।